Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goyal Commerce Classes. In this video, we cover the type of data yani sources of data. Pichli video mein maine aapko bataya tha collection of data ki why should we collect the data. To data hum logo ko pata hai human problems ko numerical facts mein change karne ke liye स्टैट्स को यूज़ करते हैं. सेकेंडली फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम लोग उनको क्लासिफाई, प्रेजेंटेशन, एनालाइज और फिर इंटरप्रेटिंग एनालाइज कर देते हैं. अब मैंने आपको बताना है इस वीडियो में कि विच आर द सोर्सेज ऑफ डाटा. बेटे अगर आप लोगों को ये चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो ताकि आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका बेस क्लियर नहीं होगा. आगे अगर आपको अच्छी आती है, आप जुड़े हुए हैं, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि आप लोगों उसके बारे में मुझे बताएं कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही. बेटे फर्स्ट सोर्सेज ऑफ देयर आर टू सोर्सेज. कौन कौन से? प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है? जैसे कि प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट टाइम, यानी कि जी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जब एक व्यक्ति खुद ही इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, ओरिजिन से कलेक्ट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डाटा. यानी कि जो ये प्राइमरी डाटा वाला होता है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस होता है इसका, पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस. जो इन्वेस्टिगेटर है, यानी कि जो जिसने कुछ एनालाइज करना है, अपनी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो ही इन्वेस्टिगेटर प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करता है. ठीक है, ये ओरिजिन ही नेचर होती है. यहाँ से देखिए ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन क्यों लगाया है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की जाती हैं, यानी कि सर्च की जाती हैं, नॉलेज को कलेक्ट किया जाता है. द सोर्सेज, जो जिस सोर्स से, जहाँ से हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं. मेनली इंडिया में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्राइमरी सोर्स कहलाती हैं. CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सेंसेस, जो आगे डिस्कस करेंगे. RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इनका क्या होता है कि ये डाटा कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं? जैसे कि मान लो आपने पॉपुलेशन को काउंट करना है. पॉपुलेशन, आपको पता है कि इंडिया में हर 10 साल के बाद जनसंख्या जनगणना की जाती है. पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से अभी आप लोग पॉपुलेशन काउंट करते हैं, उसमें से एजुकेटेड कितने हैं, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, अबव चिल्ड्रन यानी कि 14 अबव कितने हैं, बिलो 14 कितने हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारी आपकी प्राइमरी डाटा कलेक्शन की जाती है. क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट है बेटे कि सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा मीन्स द इंफॉर्मेशन यूज्ड फ्रॉम दैट डाटा विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड, यानी कि उस डाटा में से कलेक्ट करना जो कि पहले कलेक्टेड हो चुका है. सपोज करो आपने जनसंख्या को, जनगणना को काउंट कर लिया, आपने इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया. अब उस पॉपुलेशन को काउंट करने के बाद आपको पार्टिकुलर एरिया की इंफॉर्मेशन जाननी है, तो आप उस पार्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को निकालेंगे वहाँ से, और उसमें से मेल फीमेल ये सारी काउंट करते हैं जब हम जनगणना करते हैं, वहाँ से आप अपने पार्टिकुलर एरिया का निकाल सकते हैं. तो सेकेंडरी डाटा जो कि ओरिजिनल नहीं होता, जो ओरिजिनल कलेक्टेड होते हैं, ओरिजिनल कलेक्टेड में से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार आप उसमें से इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके स्कूल्स होते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी हो. देखिए जैसे स्कूल हैं, स्कूल में मान लो आपके पास 2000 स्टूडेंट्स हैं,
स्कूल के पास इन 2000 बच्चों की ऑल इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन सी स्ट्रीम है, कौन सी सब्जेक्ट है। अब मुझे अपने प्लस वन कॉमर्स के बच्चों की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ऑफिस में जाके उस फाइल को निकाल लूँगी और सारी इंफॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर लूँगी। क्लियर, आपको समझ आई? जो ये इंफॉर्मेशन होती है सेकेंडरी डाटा वाली, ये आपकी दो तरह से मिल सकती है। एक होती है आपकी पब्लिश्ड, एक होती है आपकी अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड होती है थ्रू न्यूज़पेपर, आप इंफॉर्मेशन कोई भी कलेक्ट कर सकते हैं, जर्नल्स। और अगर आप लोगों को मान लो जितनी भी कंपनीज हैं, आपको मान लो हरियाणा या पंजाब या गुजरात की इंडस्ट्रीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ की वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट्स होती हैं आजकल, तो अगर ऑनलाइन की बात करें तो ये आपकी पब्लिश्ड। कुछ एक इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो आपकी अनपब्लिश्ड, जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ का एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड हो गया या आपकी वहाँ की इंफॉर्मेशन हो गई, जो कि वो पब्लिकली पब्लिश नहीं करते लेकिन वो रिकॉर्ड में करते हैं, तो उसे अनपब्लिश कहते हैं। जैसे कि मान लो ये 2000 के 2000 बच्चे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन वो पब्लिश नहीं करेंगे लेकिन इनका रिकॉर्ड है, तो दिस इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन ऑफ 2000 स्टूडेंट्स आर अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड। लेकिन अगर उसमें से मैं प्लस वन की इंफॉर्मेशन निकाल देती हूँ, वो सेकेंडरी हो जाती है। और जो अगर मान लो मुझे पब्लिकली हम क्या दिखाते हैं, रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब रिजल्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम पब्लिश करते हैं, बाकी उनकी इंफॉर्मेशन को हम अनपब्लिश रिकॉर्ड में रखते हैं। अब इसके बाद बेटा आप लोगों ने इसका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी डाटा ओरिजिनलिटी को प्रेफर करता है, सेकेंडरी डाटा आपका जो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे हम लोग, तो ये इसकी कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है, यानी कि ये थोड़ा महंगा होता है। देखिए इसमें हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें देखिए आप लोग फटाफट, यहाँ पर मैं प्राइमरी लिख रही हूँ, इसको डिफरेंस को भी कर सकते हैं आप लोग। सेकेंडरी डाटा देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा ओरिजिन, ओरिजिन में ये ओरिजिन होता है, ओरिजिनल फर्स्ट टाइम होते हैं, ये नॉट ओरिजिनल, ये ओरिजिन से नहीं होता। सेकेंड कॉस्ट, ये कॉस्टली होता है, ये नॉट कॉस्टली, ठीक है, ये कॉस्टली नहीं होता। तीसरा हम लोगों ने लेना है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मीन्स ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर आपका कोई स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये जर्नल पर्पस के लिए भी हो सकता है, जर्नली, ठीक है बच्चे। इसमें जर्नली का मतलब होता है कि इसमें ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर। रिलायबिलिटी यानी कि इस विश्वसनीय, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वास करने के योग्य कौन सा है, विश्वास। दिस इज मोर रिलायबल, क्योंकि आपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्पेसिफिक पर्पस के अनुसार इसमें डाटा कलेक्ट है, तो ये ज़्यादा विश्वसनीय है, ये लेस रिलायबल होता है। कई बार दूसरे की इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की होती है वो अनरिलायबल होती है, ठीक है। इसके सोर्स वही पता है आपको, प्राइमरी में आपको मैंने आपको बताए थे कौन कौन सी होती हैं, और इसकी सेकेंडरी, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। क्लियर। इसमें एरिया, इसमें जो लेस एरिया कवर किया जा सकता है, ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर सकते क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें आप टाइम कंज्यूमिंग भी लगा सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें लार्जर एरिया कवर कर सकते हैं और लेस टाइम कंज्यूमिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर हमने प्राइमरी लेना है कि सेकेंडरी लेना है, चॉइस ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन, हमारी जो चॉइस है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, उसके आपके पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नेचर, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका स्कोप क्या है, यानी कि दायरा कितना बड़ा है।
और आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपने प्राइमरी डाटा को और सेकेंडरी डाटा को चूज़ कर सकते हैं। मेनली प्राइमरी डाटा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी हो, सोर्स ऑफ जो है वो लिमिटेड हो, ओरिजिनलिटी चाहिए और आपके पास कोई और चॉइस ना हो। यहाँ पर आप इसके दूसरा यहाँ पर ओरिजिन की रिक्वायरमेंट नहीं हो क्योंकि रिजल्ट भी इसके ओरिजिन आएंगे। इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो स्पेसिफिक और रिलायबल भी होते हैं और ट्रू होते हैं। यहाँ पर आप अगर हम लोग एक और ऐड कर दें रिजल्ट, तो रिजल्ट इसके एक्यूरेट होते हैं, एक्यूरेसी मोर और लेस एक्यूरेसी इज देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। आपने अब इसको करना है, हमने मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। बेटे इसमें आपके 6 मैथड हैं। फर्स्ट इज योर डायरेक्ट पर्सनल, यानी कि पर्सनल व्यक्ति इन्वेस्टिगेटर खुद ही करता है। इनडायरेक्ट और ओरल, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंस और लोकल एजेंसीज, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, शेड्यूल फिल बाय एमिनेटर और टेलीफोन इंटरव्यूज। बट इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज से पहले अगर आपको मीनिंग क्लियर हो जाए तो आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? आप देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में, जो डायरेक्ट मतलब होता है इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, पर्सनल व्यक्ति है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्ड वाले व्यक्ति से, यानी कि लोकल जहां से उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनके पास खुद जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तभी इसका नाम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पड़ा है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है अपने पर्पस के लिए क्वेश्चंस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है जिससे उसने इन्फॉर्मेशन लेनी है उनके पास जाकर उनसे पूछता है। तो अब इसकी देखिए एडवांटेजेस अगर हम लोग बात करें, आपने खुद बनाना है तो ये खुद कर रहा है तो ये रिलायबल होगा और कॉस्टली भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, क्लियर। और सबसे बड़ी बात, ये स्मॉल एरिया को कवर कर सकता है, ओनली स्मॉल एरिया। तो ये हो गई एडवांटेज। अब डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस में सॉरी यहाँ स्मॉल एरिया का रिलायबल होता है, टाइम कंज्यूमिंग, ये सारी आप इसकी रिलायबल को छोड़ के कि जो इसका रिजल्ट आता है वो 100% आता है, एक्यूरेट आता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस में ये कॉस्टली पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है और स्मॉल एरिया कवर करता है। इतना ही आप लोगों ने लिखना है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, इसमें व्यक्ति खुद ना जाकर दूसरों से इंफॉर्मेशन, यानी कि ओरली जो उस समय उस चीज़ की गवाह विटनेस होते हैं उसे बोलते हैं विटनेस। जैसे मान लो कोई कोविड-19 के ही केसेस को लगा लेते हैं क्योंकि आजकल यही चल रहा है, कोविड-19 का आपके पार्टिकुलर एरिया में जानना चाहते हैं कि कितने लोग हैं, कितने ठीक हुए, कितने ज़्यादा अफेक्टेड हुए, तो वहाँ की जो ओरल उसका कोई दोस्त उस एरिया में रहता है या उसका कोई रिलेटिव रहता है तो उससे ओरली विटनेस के रूप में उससे पूछ सकता है। तो इसमें देखिए टाइम कंज्यूमिंग लेस कॉस्टली, बट यहाँ पर डिसएडवांटेज में लेस रिलायबल आ जाएगा। और एडवांटेजेस क्या कि लेस कॉस्टली होता है ये, टाइम कंज्यूमिंग लेस होता है और इसमें लार्जर एरिया कवर किया जा सकता है। थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट और लोकल एजेंसीज। इसमें यानी कि मान लीजिए अगर आपको जो फैक्ट्स और जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स और जो फिगर्स हैं वो आपको डेली बेसिस पर चाहिए या वीकली चाहिए या एवरेज चाहिए आपको। अब जैसे बात कीजिए न्यूज़ चैनल की, आपको वो रोज़ न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ क्या आप लोग वहाँ पे जाते हैं? नहीं जाते ना बच्चे, वहाँ पे कैसे जाएंगे? तो आपके यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस कुछ एक एजेंसीज होती हैं, लोकल एजेंसीज होती हैं न्यूज़पेपर वालों की, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे सकती हैं। तो इसमें क्या है कि आपको रेगुलरिटी पर फैक्ट्स और फिगर मिलेंगे, डेली भी मिल सकते हैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जैसा आप अपडेट करना चाहते हैं। लार्जर एरिया होता है, लेस कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग लेस होता है, कॉस्टली भी कम होते हैं लेकिन एक्यूरेट भी कम है, लेस रिलायबल। तो यहाँ पर फोर्थ है आपका मेल्ड, मेल्ड मीन्स जैसे कि ऑनलाइन। क्वेश्चनर में क्या होता है कि आपको
अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपका क्या सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक क्वेश्चंस बना लेते हैं। क्वेश्चन बनाने के बाद आप उसको जिससे आपने लेनी है उनको मेल्ड कर देते हैं, और इस क्वेश्चनर में जो रेस्पोंडेंट है, मैंने आपको बेसिक टी कर्म्स में बताया था कि जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसे रेस्पोंडेंट बोलते हैं, वो आपके इस क्वेश्चनर को भर के वो आपको वापस कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आपको गूगल फॉर्म याद है, गूगल फॉर्म में आपने क्वेश्चन टाइप किए और आपने अपने कंज्यूमर्स को कहा कि आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट लिख दीजिए, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो जाएगी और आपने मेल की है और डायरेक्टली उसका रिस्पांस आपके पास आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, इस क्वेश्चनर में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस वही होने चाहिए, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर सर्च इन्वेस्टिगेशन, जैसे ये ना हो कि जिससे किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को या किसी को भी ठेस पहुंचे। तो क्वेश्चंस लिमिटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज इजी होनी चाहिए ताकि वो आसानी से समझ आए। नाउ शेड्यूल, शेड्यूल में भी आप क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड, बट इसमें जो इन्विनेटर है यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो जैसे कि पूछ सकता है, पूछने वाला क्या होएगा, जैसे कि मान लो एबीसी है, एबीसी एक फर्म है, उसमें से एक पर्सन को कहा जाता है कि आपने इसमें जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि एबीसी फर्म है, उसका एक इन्विनेटर यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है मिस्टर राम, वो खुद ही क्वेश्चन लेके जाएगा और रेस्पोंडेंट से के पास पूछ के खुद ही उसको फिल करता है। इसमें बेनिफिट क्या रहता है कि जैसे मान लो आप लोकल ऐसे एरिया में गए जहाँ पर आपकी लैंग्वेज पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन आपने उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप उनकी लैंग्वेज में भी पूछकर उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये इसका होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको जवाब मालूम है लेकिन वो लिख नहीं सकते, देन दिस मैथड इज़ वेरी सुटेबल टू दैम। शेड्यूल फील्ड बाय एमिनेटर में क्वेश्चंस मेल क्वेश्चनर की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एमिनेटर है यानी कि जो रिस्पॉन्ड को लिखता है या उसकी हेल्प करता है वो खुद ही इस फॉर्म को भरता है। टेलीफोन इंटरव्यूज़, यहाँ पर टेलीफोनिकली, टेलीफोन यानी कि टेलीफोनिकली आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आप इस डील में इंटरेस्टेड हैं, क्या आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप कौन कौन से प्रोडक्ट पूछते हैं। इस तरह से आपका टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेकर भी प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो दीज आर द 6 मैथड्स थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द प्राइमरी डाटा। बेटे अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और ये आपका काफ़ी मैथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा प्राइमरी हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चनियर और शेड्यूल कैसे बनाए जाते हैं वो चीज़ सिखाऊंगी, और उसके बाद हम लोग करेंगे आपका सेकेंडरी डाटा पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और अदरवाइज वी कैन डू द सेंसेस और सैम्पल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। क्लियर? तो इसी आपको एक और बेनिफिट है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ अवेलेबल होती है। अभी जैसे आप लोगों को अकाउंट्स की चाहिए तो अकाउंट्स की भी प्लस वन की ही अकाउंट्स की वीडियो भी मिलेंगी, इकोनॉमिक्स की भी मिलेंगी और बिजनेस स्टडीज़ की भी पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। तो इसीलिए आपको और किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यू गेट ऑल द कॉमर्स मटेरियल। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।